नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़ खबर फरुखाबाद की दुनिया तक। फरुखाबाद में बिजली विभाग कर रहा है धन उगाही। बिजली विभाग की टीम रात में चोरों की तरह मारती है छापा। बिजली विभाग की एक FIR की धमकी से गई आलम शेर खां की जान। परिवार के पास धमकाने के हैं रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के मोहल्ला भीकमपुरा निवासी रिजवान पुत्र आलम शेर खां ने थाने में तहरीर दी है, जिसमें लिखा है कि विद्युत विभाग के अवर अभियंता रंजीत मौर्य, सुधीर शाक के सहायक व समस्त स्टाफ, गौरव पाठक, अमरजीत व अन्य मेरे पिता के कहा कि आपकी केबिल कटी हुई है, अगर आप 50,000 रुपये देंगे तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, अन्यथा आप पर एक FIR दर्ज करवा देंगे। जिसमें परिवार के सदस्यों ने डर के मारे लोगों से उधार पैसे लेकर 25,000 रुपये दे दिए। शाम को फिर गौरव का फ़ोन आया, उसने फिर पैसों का इंतज़ाम करने के लिए कहा, वरना इस और कहा कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो सबको जेल करा देंगे। और विद्युत विभाग की टीम ने आलम शेर खां को इतना डरा दिया कि आलम शेर खां को घबराहट होने लगी और उन्हें लोहिया अस्पताल ले गए। लोहिया में उन्हें उदयराज के यहाँ रिफ़र कर दिया। उदयराज के यहाँ पहुँचने पर वहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आगे का वीडियो हमारी संवाददाता हुमा खान के साथ। वीडियो अंत तक देखें, हम आपको वो रिकॉर्डिंग भी सुनवाएंगे जो विद्युत विभाग के कर्मचारियों से हुई थी। तो दोस्तों, जुड़े रहिए और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़। मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। आइए देखते हैं आगे का वीडियो। सर, आपका नाम क्या है? रिजवान खान नाम है। तो ये कल क्या मैटर हुआ था? कल हम लोग का घर पर दैनी, मेरे पापा और मम्मी रहती हैं। आपके पापा का नाम क्या था? आलम शेर खान। आलम शेर, तो क्या हुआ था कल? कुछ नहीं, वो लाइट वाले आए, लाइट वाले आने के बाद जो है दरवाज़ा खटखटाया जी, कहने आपका कटिया पड़ा हुआ, जबकि हमारा कोई कटिया नहीं पड़ा हुआ था जी। जी, उसके बाद जो है गौरव थे और जय थे, एक और थे साथ में जी। जी, और उसके बाद जो है कहने लगा जो है आपका कटिया पड़ा था, आपको पैसे देना पड़े, मेरे पापा घबरा गए। अच्छा, तो आठ के मरीज थे। तो वो कई बजे तक ठीक रहे तुम्हारे पिताजी? मेरे पापा जो है 2 बजे तक ठीक रहे बिल्कुल, जैसे ही वो लोग आए हैं बस उसके बाद इनकी तबीयत गड़बड़ हो गई। अच्छा, कई बजे हुई थी तबीयत गड़बड़? तबीयत गड़बड़ हुई इनकी 3:30 बजे। अच्छा, ये हादसा कई बजे हुआ? ये है करीबन 12:30 बजे के बाद। अच्छा, ये बिजली विभाग वालों की वजह से हुआ जो भी कुछ हुआ? वैसे बिल्कुल तबीयत उनकी ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो आपका पिताजी का ये इंतकाल कई बजे हुआ? जेएम का हुआ है रात को करीबन 8:30 बजे। तो जे किसी हॉस्पिटल में हुआ क्या? हाँ, हॉस्पिटल में। कौन से हॉस्पिटल में? पहले इनको लोहिया मिशन हॉस्पिटल लेके गए थे जी। जी, जांच के लिए भेजा जी। जी, लोहिया में जी, लोहिया लेके गए तो उन्होंने हार्ट वाले के पास भेज दिया, फिर इनका इंतकाल हुआ है जाके जो है सिटी हॉस्पिटल में। सर धन्यवाद, मैं बोल रही हूँ हुमा खान, आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़ खबर फरुखाबाद की दुनिया। मेरा नाम रिजवान खान, थोड़ा जोर से रिजवान खान नाम मेरा। हाँ, क्या हुआ था सर? कल जो है दोपहर 12:30 बजे जो है अजीत और गौरव जो लोग आए और उनके साथ में जय साहब थे और 3-4 लोग थे, आने के बाद जो है पापा घर में थे, मम्मी थी अकेली और जो है एक बहन थी, और उसके बाद हम लोग थे नहीं, हम लोग बाहर रहते हैं दादा घर। तो वो आए और कहने लगे आपका कटिया पकड़ा गया है, आप जो है 50,000 रुपये उन्होंने मांगे। पापा ने कहा मेरा तो कटिया डला नहीं था। 50,000 किसने मांगे? गौरव ने। गौरव? हाँ, उनके साथ में 3-4 लोग थे। अच्छा, जय भी थे। तो प्रेशर डालने लगे तो फिर जैसे तैसे करके जो है इन लोगों ने 25,000 दे भी दिए। 25,000 रुपये दे चुके? 25,000 दे चुके, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। और उसके बाद जब बोले कहने लगे जो 25,000 रुपये अगर शाम तक नहीं मिले तो आपके नाम मुकदमा लिख देंगे। ठीक। तो उससे मेरे पापा की हालत जो है सीरियस हो गई, उन्हें अटैक आ गया, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, वहाँ उनकी डेथ हो गई। ठीक। तो क्या मतलब कोई बकाया है क्या बिल पे या कोई बकाया नहीं है? हमारा कोई बिल बकाया नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मतलब जबकि हमारा एक जोड़ बाहर के साइड में है, उस पर MCL लगी हुई थी, वो MCL उन्होंने खुद तोड़ी है। अच्छा। हाँ, हम लोग गेट बंद रहता है, इन लोगों की लड़कियाँ हैं घर में, हाँ, जो बाहर निकलते नहीं है तो गेट तो बंद था, हमें मालूम ही नहीं बारे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो तो उन्होंने जब दरवाज़ा खटखटाया, जब उन्होंने खोला इसके बाद उन्होंने प्रेशर डाल दिया, उल्टी सीधी बकने लगे, घर में लड़कियाँ थी। अच्छा। हाँ, मतलब लड़कियों के साथ बदतमीजी करने? हाँ, मेरी बहन की। तो ये किस टाइम की बात है? ये करीबन 12:30-1 बजे की बात है। रात को? नहीं, दिन में। दिन में 12:30 बजे। अच्छा, तो
मतलब जो आपने पैसे दिए वो टाइम क्या टाइम दिए थे? वो लगभग दिए मैंने 6 बजे का टाइम, शाम को 6 बजे, यानी ये कल 12:30 बजे की बात है। हाँ, और शाम को 6 बजे पैसे दिए जी। उसके बाद आपको और ज़्यादा प्रेशर डालने लगे? और ज़्यादा प्रेशर डाला कि अभी पैसे बाकी पहुँचाओ, इतने पैसे नहीं लेंगे हम जो है, नहीं तो मुकदमा लिख देंगे। अच्छा, मतलब ज़बरदस्ती मुकदमा कर देंगे? वो भी जो है मैं था भी नहीं, मैंने फ़ोन करा, फिर पापा ने जो है ब्याज वाले से लेके 25,000 रुपये दिए। चलो ठीक है, बाजार और देखने आ रहे हैं, ठीक है, कितने टाइम लग जाएगा आने में? वो अब जैसे ही आता 6,000 हमें दे गया वो, मतलब 6,000 पर। देखो मेरी बात सुनो, 5 मिनट पहले कर लेना ना, हम देखता हूँ, फिर मजबूरी होगी बताना। हाँ नहीं, 6,000 दे, 6,000 तो दे गया, बताओ 6,000 पहुँचवा दे। नहीं नहीं, पूरे दे आगे भैया, हम परोती नहीं ले पाए अपने ऊपर, बात यह है। अच्छा जी, चलो ठीक है। हाँ तुम्हारे खाते सफी भाई कुछ भी को यार, बस बात यह है, बस इतनी बात। चलो ठीक है, ठीक जल्दी कर लेना भैया, 5 मिनट। ठीक ठीक ठीक, फोन करो जल्दी।